हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूँ हरेश ट्रैवल व्लॉग में। तो अभी हम तैयार हो गए, हमारा दोस्त भी निकल गया है स्वर्णप्रयाग के लिए। अभी हमारी बस है 5:30 बजे की, अभी 5 बजे यहाँ से निकलना है और अभी नीचे चलते हैं। नीचे 5 बजे गेट खुलने वाला है, तो खुल गया होगा, तो फिर देर नहीं करते निकलते हैं। तैयार हो गए, उठे है, रास्ता अब आता है। तो ये बोर्ड पढ़ लीजिए, सूरत श्याम वाला गुजरात भोजनालय, उसके सामने ये आश्रम, ये रास्ता जाता है स्टेशन की तरफ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, और अभी सुबह 5 ही बजे, आप देखो कितना उजाला हो गया है। अभी हम सब भी तैयार हो गए, हमारी बस है 5:30 बजे की, तो अभी देर नहीं करते निकलते हैं। सोच रहे होगे कि मैंने कपड़े ये फिर क्यों धोए, मैंने सफ़र के टाइम इतना कपड़े पहनना कम्फर्ट लगता है, इसलिए ये कपड़े वापस पहन लिए। जब सोनप्रीत जाऊँगा तो खड़े करूँगा, तो वापस दूसरे कपड़े पहन लूँगा। सर क्लब को दिख रहे हैं, उसके सामने रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गली है, उसके सामने वहाँ से आपको मुड़ जाना है, और आपको सामने रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा, और एक गली है तो सामने दिख रहा हूँ, वही गली से आपको अंदर चले जाना, वहीं पे आपको धर्मशाला मिल जाएगी गुजराती। अभी हम जा रहे हैं, हमारी बस है 5:30 बजे की, तो रेलवे स्टेशन से आगे यहाँ काफ़ी सारी बस खड़ी रहती है सुबह 4:05 बजे से। तो आप टिकट ले या ना ले, आपको बस मिल जाएगी। अगले दिन ले तो भी ठीक है, और बस के टाइम मिले तो भी ठीक है। अभी हमारी बस ये है, हमको आगे की सीट मिली, ये 2 सीट आगे और 2 सीट पीछे, और अभी हमारी बस हरिद्वार से निकल गई है 6 बजे। तो देखते हैं कितने बजे सोनप्रयाग पहुँचते हैं। हर की पूड़ी दिख रही होगी, और इस डिश से हम कल घूमने आए थे। आपने अगली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए, और आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और केदारनाथ की अगली वीडियो भी आएगी तो देखना मत भूलिए। और आपको हम कहाँ हैं वो पता करना है तो मेरी इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लीजिए, वो कुछ शो कर रही होगी, तो आपको पता चल गया मैं अभी कहाँ हूँ। को भोलेनाथ की अभी मूर्ति देख रही, और अब रिस कोस करें, वही ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, योगनगरी ऋषिकेश लास्ट रेलवे स्टेशन, और यहाँ तक ही ट्रेन आती, उससे आगे ट्रेन नहीं जाती। अभी यहाँ से 213 किलोमीटर के केदारनाथ की दूरी है। अभी हम पहुँचे ऋषिकेश, कुछ अच्छा अच्छा नज़ारे दिखने मिलेंगे तो ही दिखाऊंगा, ना कि वीडियो ऐसे क्यों बनाऊंगा, तो अच्छा वीडियो है तो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। सारी बस होल्ड करती है रुद्रदेव से आगे, देवप्रिया से आगे सारी बसें होल्ड करते हैं। देखो आप यहाँ देखो के लिए, और यहाँ से हमने पीछे आके देखा क्या व्यू आ रहा है। आपको मोबाइल ऐसे ऐसा व्यू कैमरे में नहीं दिख रहा होगा जो हमने आंखों से देखा, और आप सामने देख रहे हो गंगा बह रही है, और नीचे से रास्ता भी जा रहा है, और हमको जाना है वो सामने रास्ता दिख रहा है ना उस तरफ। और अभी हमारी बस निकल गई, और यहाँ हम रुद्रप्रयाग पहुँच गए। यहाँ गंगा का संगम होता है जो अलकनंदा और भागीरथी का। तो यहाँ से आपको मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमारी बस रुकने नहीं वाली है, तो यहाँ से जितना हो गया उतना दिखा दूंगा। यहाँ से आपको भागीरथी नदी नहीं दिखेगी, मैं आगे आपको दिखा दूंगा भागीरथी नदी, आपको सामने अलकनंदा ही नदी दिख रही होगी। तो यहाँ है भागीरथी नदी, एकदम क्लीन पानी आपको दिख रहा होगा, जो अलकनंदा के पानी मटमैला होता है उसमें धूल मिट्टी मिली हुई है, तो ये पानी बिल्कुल क्लीन है, आप देख लीजिए। यह भागीरथी नदी यह जो गंगोत्री से आती होती है, और अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है।
ये आप लोग सामने तारी देवी का मंदिर देख रहे होगा, जो आपको अलकनंदा के नदी के बीच में देखता हुआ मिल जाएगा तारी देवी का। अभी हम पास से दिखा रहे, ये है तारी देवी का मंदिर। हमारी बस तो रुकने वाली नहीं है, तो यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। हम भी ऊपर से दर्शन कर लें, क्योंकि हमारी बस नॉन स्टॉप है। जहाँ नाश्ता पानी होता है और चाय पानी वहीं रुकती है और कहीं नहीं रुकती। रुकती है तो सोन प्रयाग में, यही यहाँ देख रहे हो। यहाँ से नीचे पहाड़ भी गिरा हुआ है, ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ जाम लग गया, देखो कितने तक जाम लग गया, आधे किलोमीटर तक जाम ही लग गया है। अभी हमारी कुछ बस रुकी और निकल पड़ी अभी हमारी बस। अभी हमने दूसरा वोल्ट लिया है रुद्रप्रयाग से आगे। ये है मंदाकिनी नदी, कितना क्लीन पानी है देख लीजिए। अलकनंदा तो मटमैला पानी है, और इसका मंदाकिनी का पानी कितना क्लीन है। तो यहाँ अभी फोटो खींचा लेते, और यहाँ अभी पानी की ऊपर से जो धोध हो उसका बाहर से पानी इतना मीठा आती है, मीठा आता है, और बात ही मत पूछो। तो हम सफ़र का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ। अब आगे अभी यहाँ से सोपटा की तरफ जो निकल रास्ता निकल जाता है, उस रास्ते पे अभी आने वाला है, तो रास्ता भी आपको दिखाते। और फिर जो आप सामने की तरफ रास्ता देख रहे हो ना, वहाँ सीधे से आप सोपटा उखीमठ और डायरेक्ट लिमचोली तक निकल जाओगे। वहाँ से बद्रीनाथ भी पहुँचा सकते, हम भी बद्रीनाथ जाने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, मिस मत करना। पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। अभी हम रास्ता काटे वाले हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर ही सोन प्रयाग है, तो बने रहे हमारे साथ। अभी सोन प्रयाग में आपको मिलते हैं। सोन प्रयाग में बारिश हो रही होगी, नहीं हो रही, बादल तो साए हुए हैं, तो देखते रहिए मेरे साथ क्या होता है। मैं आपको सबको अपडेट टू बताता रहूँगा। अभी यहाँ है कच्चे रास्ते पर हम चल रहे हैं, देखिए कितने कच्चे रास्ते हैं। अभी यहाँ सरकार तो पक्के रास्ते तो बनाती है, पर बारिश होती ही धुल जाते हैं। अभी हम सोन प्रयाग में पहुँचे, यहाँ सोन प्रयाग तो नहीं है, सीतापुर में पहुँचे, और बारिश स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया। अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो अभी सीतापुर का पार्किंग नीचे है, तो नीचे चलते हैं। अभी हम पहुँच गए सीतापुर, यहाँ से ऊपर भी जाना देख रहा है। हम सुबह के 6 बजे निकले, 6 बजे से हमारी बस निकल गई, अभी यहाँ 3 बजे पहुँचाई। और ये अभी 9 घंटे हमको लग गए यहाँ पहुँचते। ये पीछे देखो आ रहे हैं, किसी का चाहता नहीं मेरे पास, चाहता है लेके आया था अभी। और यहाँ का बस स्टैंड, यहाँ पे सारी बसें खड़ी रहती है, आगे नहीं जाती सोन प्रयाग से। और यहाँ से आगे सिर्फ टैक्सी यहाँ जाती है सोन प्रयाग के लिए, यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमारा दोस्त ने रेनकोट पहन लिया, और पीछे दोस्त आने, मैंने छतरी में साता लाया हूँ, तो साता ही रखने वाला हूँ। और मेरे दो दोस्त पीछे दूसरी बार आपको कह रहा हूँ, आपको चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, केदारनाथ की वीडियो भी आएगी। तो ये है सोन प्रयाग का बस स्टैंड, ऊपर से देख रहे होंगे। और अभी हम जाने वाले हैं आगे, यहाँ से सोन प्रयाग रुकने वाले हैं। तो हमारे दो दोस्त ने रेनकोट पहन लिया है, अभी देख रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं ये सब सारे। और सभी ने, मैंने साता लिया हुआ है, और ये सब ने रेनकोट पहन लिया, तो आगे ही लगा लिया है। सीतापुर से आते ही हमने सोन प्रयाग, पहले ही हमने यहाँ डोरमेट्री ली है, जो यहाँ की सरपंच है प्रियंका तिवारी, यहाँ उसकी डोरमेट्री है, और इसकी यूट्यूब चैनल भी है प्रियंकी तिवारी योगी के नाम पे। ये डोरमेट्री हमको पड़ी 500 रुपये में पर बेड, ये आप देख सकते हो। नीचे वाले हमने 4 लिए, ये है उसका यहाँ लॉकर रूम भी है, और यहाँ से आपको नीचे ऊपर तक डोरमेट्री और रूम भी मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, व्यू कह लीजिए। अभी बारिश रुक गई है, तो बादल बादल छाए हुए हैं, और यहाँ आप देख लीजिए कैसा व्यू आ रहा है, आप व्यू देखो कैसा आ रहा है। अभी हम यहाँ डोरमेट्री लिए, उसमें ठहरने वाले हैं, और सुबह निकलने वाले। कितने बजे निकलने वाले? 2:30 बजे, यानी कि 2 बजे रात को निकलने वाले हैं यहाँ से सोन प्रयाग के लिए। गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी लेके वहाँ से हम निकलने वाले हैं। मैंने सोचा ये वहीं वीडियो एडिट कर दूँ, शाम का टाइम हम सो जाएंगे। अभी बारिश हो रही है, तो ठंड भी लग रही है,
तो हम शाम के टाइम सोचेंगे सुबह ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अगले व्लॉग में हम केदारनाथ जाएंगे, उसकी वीडियो आएगी। तो इस वीडियो को यही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।